टी20 सीरीज के बाद पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की टीमें दो टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में आमने सामने होंगी। माजी के मुकाबलों में किसका पलड़ा भारी रहा, रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी शाहीन टेस्ट मैचों में वेस्टइंडीज के खिलाफ कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म हैं, लेकिन क्या वो ऐसा करने में कामयाब होंगे? आदाद शुमार को देखें तो मुकाबला तकरीबन बराबर नजर आता है। दोनों टीमों के दरमियान कुल 17 टेस्ट सीरीज खेली गयी, जिसमें 6 सीरीज पाकिस्तान तो 5 सीरीज वेस्टइंडीज के नाम रही। 6 सीरीज ड्रॉ हो गयी, लेकिन दोनों टीमें अपने होम ग्राउंड पर मजबूत नजर आई। वेस्टइंडीज ने 7 बार पाकिस्तानी सरजमीन पर सीरीज खेली और सिर्फ एक में जीत हासिल कर सकी, जबकि पाकिस्तान ने 8 बार वेस्टइंडीज में किस्मत आजमाई और 2017 में मिसबा उल हक की क्यादत में पहली बार सीरीज जीतने में कामयाब हुए। दो तरफा टेस्ट मैचों को देखा जाए तो दोनों टीमों ने कुल 52 टेस्ट मैचों में एक दूसरे का सामना किया, जिसमें 20 मैचों में पाकिस्तानी शाहीनों ने कामयाबी हासिल की, जबकि 17 मैचों में वेस्टइंडीज ने फतह का जश्न मनाया। 15 मैचेस का नतीजा ड्रॉ की सूरत में निकला। टेस्ट मैचों में दोनों टीमों के बेहतरीन खिलाड़ियों को देखा जाए तो वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ ने 8 मैचों में 7 सेंचुरीज की मदद से 1200 से ज्यादा रन बनाए, जबकि वेस्टइंडीज की तरफ से ब्रायन लारा 12 मैचों में 1173 रन बनाकर नुमाया रहे। कुछ बेहतरीन कारकर्दगी की बात की जाए तो वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में हाई स्कोर बनाने का रिकॉर्ड आज भी लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद के पास है, जिन्होंने ब्रिजटाउन स्टेडियम में 337 रन बनाकर ये कारनामा अंजाम दिया। उनकी ये इनिंग्स वक्त के एतबार से आज भी सबसे तवील इनिंग्स का आलमी रिकॉर्ड रखती है, जबकि वेस्टइंडीज की तरफ से 1958 में गैरी सोबर्स ने किंगस्टन के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ 365 रन की नाकाबले शिकस्त इनिंग खेली थी, जिसमें हैरत अंगेज बात ये थी कि इस इनिंग्स के दौरान उन्होंने एक भी छक्का नहीं मारा। उनका रिकॉर्ड आज भी किसी खिलाड़ी का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में बेहतरीन स्कोर है। किंगस्टन के मैदान पर गैरी सोबर्स, कॉनर्ड हंट और क्लॉयड वेलकोट की इसी बेहतरीन कारकर्दगी के बाइस वेस्टइंडीज ने 3 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान के खिलाफ 790 रन का पहाड़ जैसा टोटल खड़ा किया, जो आज भी टेस्ट क्रिकेट की तारीख का चौथा बड़ा टोटल है और किसी भी टीम का पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अब पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज इसी मैदान पर खेलने जा रहा है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए भी पुरउम्मीद हैं। क्या वो वेस्टइंडीज को इसी की सरजमीन पर शिकस्त देकर इस मैदान पर नए रिकॉर्ड्स बनाने में कामयाब होंगे?